वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जरगर न्यू टैलेंट। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कीड़े के बारे में जिसे देखने के बाद लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं, जमीन पर देखते हैं तो अपनी जान बचाने के लिए चारपाई के ऊपर चढ़ जाते हैं। इसका नाम है कनखजूरा। शेर, गोरिल्ला, लोमड़ी, साही और अन्य पशु पक्षियों, चिड़ियों के बारे में हम पहले ही कई वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को जरूर देखें। तो हम बात कर रहे थे कनखजूरे की। कनखजूरे के काटने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। अगर कनखजूरा चूहे को काट ले तो चूहे की मौत तक हो जाती है। जिस जगह पर ठंडक होती है, सीलन होती है या नमी होती है, वहाँ कनखजूरे पनपने लगते हैं। ये कब काट लें इसका कोई भरोसा नहीं। वैसे तो कनखजूरे अमूमन काटते नहीं हैं, मगर दबाव आने पर ही ये हमला कर देते हैं। कनखजूरे के आम तौर से 21 से लेकर 23 जोड़े पैर होते हैं। कनखजूरे का शरीर लंबा और खंडों में बटा होता है। हर खंड में 2 जोड़े होते हैं। इसका बाहरी खोल काइटिन का बना होता है। इसके सिर पर 1 जोड़ी श्रृंगाएं होती हैं। जुड़े हुए पैर होते हैं। इसके पहले 2 पैर जहरीले होते हैं। दुनिया भर में कनखजूरों की 8,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। जन्म के बाद कनखजूरे अपने बच्चों को एक गोल घेरा बनाकर उनकी हिफाजत करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 15,000 से 80,000 तक इनकी प्रजातियां होती हैं। कनखजूरे ज्यादातर रात को ही सक्रिय रहते हैं। रात में निकलने वाले टिड्डे और कीट पतंगे खाकर ये अपना पेट भरते हैं। ज्यादातर कनखजूरे कभी कभी तनों और पत्तियों को खाकर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। कनखजूरे हल्के भूरे, काले और लाल रंग के होते हैं। इनकी लंबाई 1 इंच से 6 इंच तक हो सकती है। कनखजूरे आसानी से दीवारों पर चढ़ जाते हैं। ये नींव की बुनियादों और दरारों से घरों के अंदर चले जाते हैं। ये जहरीले तो नहीं होते, परंतु इनके काटने से शरीर में तेज जलन होती है। सभी कनखजूरों का शरीर चपटा होता है और इनकी प्रजाति लगभग कृमि जैसी होती है। जॉर्जिया में पाए जाने वाले आम सेंटीपीड की प्रजातियां 5 इंच से कम लंबी होती हैं और इनका रंग हल्का पीला, गहरा भूरा और लाल भूरे रंग से अलग होता है। आमतौर से कनखजूरे अपना जीवन मिट्टी में बिताते हैं। बसंत के मौसम में मादा 20 से 300 तक अंडे देती है। कई हफ्ते के बाद अंडों से कनखजूरे के बच्चे बाहर आते हैं। जन्म के वक्त इनके पैरों के पहले 3 जोड़े होते हैं और 7 से ज्यादा खंड नहीं होते। कनखजूरा कान में घुसकर भयंकर दर्द पैदा करता है। अगर कान में कनखजूरा घुस जाए तो सेंधा नमक का पानी में घोल बनाकर कान में डालें, कनखजूरा तुरंत बाहर आ जाएगा। कनखजूरों से बचने के लिए घरों में सीलन न होने दें, मिट्टी के ढेर न लगाएं, भूसे के ढेर न लगाएं और ज़मीन पर बच्चों को न सुलाएं। साथियों, ये थी कनखजूर के बारे में छोटी सी जानकारी आपके लिए। ऐसी खूबसूरत और नया वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने माता पिता का ध्यान रखें, बड़ों की इज्जत करें। धन्यवाद।